तो हेलो दोस्तों, कैसे हो? जैसे कि बढ़िया होंगे। लो आज का हूँ और एक नई वीडियो के साथ। इस वीडियो में मैं आपको 1v4 सिचुएशन कैसे डील करें इसके बारे में बताने वाला हूँ। इस वीडियो को पूरा देखें, मैंने इस वीडियो को कट नहीं किया है। आप पूरा 1v4 का गेम प्ले देख सकते हो। तो ये बंदा लूटने आ रहा था तो मैंने जल्दी से कवर में आके उसे मार दिया। और दोस्तों हमेशा याद रखना, आपके पास कवर हो तो भी आप उसे पूरा किल कर दो, वरना सामने जाके किल मत करो क्योंकि उसके बंदे आ रहे होंगे। तो अभी उसके बंदे आ रहे हैं, तो फिर मैंने वॉल के पीछे कवर ले लिया और टीपीपी लेके देखने लगा कि बंदे कहाँ से आ सकते। तो मैंने एक देखा कि लेफ्ट कॉर्नर से एक बंदा मुझे दिख रहा है, पर मैंने उसे मारने की कोशिश की पर वो थोड़ा सा पीछे चल गया। तो मैंने जल्दी से कवर ले लिया और मैं देख लिया सामने भी एक बंदा है। तो फिर मैंने मोलोटेल डाल दिया, मतलब उसका इस बंदे का ध्यान तो भटक जाएगा। और फिर और देखो दोस्तों, हेडफोन्स बहुत ज़रूरी है इसमें, क्योंकि कौन कहाँ से आएगा आपको फुटस्टेप सुनाई देगा। तो देखा मैंने और एक देखा कि एक बंदा यहाँ से आ रहा था, जल्दी से उसे मार दिया। और फिर मैंने इसे देखते ही जल्दी से स्कोप ऑन करके मार दिया। देखो दोस्तों, रिफ्लेक्स बहुत ज़रूरी होता है, रिफ्लेक्स जल्दी करोगे तो जल्दी बंदा मारते आएगा आपको। और फिर से टीपीपी लेंगे क्योंकि अभी उसका बंदा आएगा दौड़ के। देखो दोस्तों, ऐसे टीपीपी लेके कवर लेना है। देखो आ गया वो, और उसे भी हमने फिर आराम से मार दिया। तो दोस्तों आप दूसरी सिचुएशन देखो, ये दोनों बंदे आराम से लूट रहे, तो मैंने क्राउच होके पीक देके इन दोनों को नॉक कर दिया। तो मुझे पता है कि इनके बंदे अभी इधर आसपास ही होंगे। तो फिर मैंने जल्दी से भागने की कोशिश की, रोटेट करने की, पर मैंने देखा एक और एक बंदा है, तो मैंने जल्दी से क्राउच कर लिया। मैं यहाँ क्राउच नहीं करता तो मैं मर सकता था। और जल्दी से मैंने रोटेट करके इसे जल्दी से क्राउच होके ही मार दिया। तो दोस्तों इसी सिचुएशन आए तो हमेशा क्राउच करके ही मारा करो। फिर मैं आगे जा सकता था उनको, वो अभी रिवाइव हो रहे होंगे बंदे, पर मैंने रोटेट किया क्योंकि मैं सामने से जाता तो उसका दूसरा और एक बंदा मुझे मार सकता था। तो फिर मैंने रोटेट किया और फिर ये देखो, तो मुझे वो बंदा दिख गया एक। फिर मैंने जल्दी से कवर में आके फिर पीक देके मारा, तो एक उनका नॉक हो गया और एक तो डेड हो कर दिया मैंने। फिर अभी ये देखो सिचुएशन, अब सामने कभी भी रोटेट किया और कभी अभी देखो पीक करके मारना कभी भी दोस्तों, ये देखो पीक कर। तो ये दोस्तों ये लास्ट वाली सिचुएशन देखो, मेरे ऊपर फायरिंग हुई तो मैंने जल्दी से कवर ले लिया और टीपीपी लेना शुरू कर दिया और हेल्थ भी बढ़ा दी। तो दोस्तों पेशेंस बहुत ज़रूरी है 1v4 में। तो देखो बंदा राइट से फ्लैंक करके आ रहा है, तो मैंने इसे देख लिया है। तो जल्दी से मैं आगे नहीं गया पर मैंने पीक लेके उसे मारा। मैं उसके सामने भागते हुए जाके मारता तो उसका दूसरा बंदा मुझे मार देता। तो दोस्तों हमेशा टीपीपी लो और पेशेंस रखो और पूरा किल करने का देखो मत, पहले सिचुएशन देख लो, कवर होगा तो किल करो। देखो एक बंदा लेफ्ट से आ गया, उसे भी जल्दी से मैंने मार दिया, पर मैं उसके सामने जाके उसे पूरा किल नहीं किया क्योंकि मुझे पता है उसके बंदे अभी प्रोन हो चुके हैं। तो फिर देखो और आगे, फिर मैंने देखा मैंने रिलोड कर लिया मेरी गन। आप मैं सिर्फ देखते रहूँगा। देखो अभी एक लेफ्ट से बंदा वो दिख रहा है, देखो वो लेफ्ट से फ्लैंक करने की कोशिश कर रहा है, वो प्रोन है। और इधर का बंदा पीछे चला गया है। तो फिर यहाँ का बंदा तो मुझे दिखता है, तो मैं मॉली करके देखेंगे। वो भी कवर में होके मॉली किया मैंने, जैसे सामने जाके या साइड में होके मॉली करा तो वो बंदा मार देगा। तो सिर्फ पेशेंस रखो दोस्तों और देखते रहो। ये पूरा गेम प्ले मैंने डाल दिया है, मैंने कोई भी कट नहीं किया है। तो अभी उधर का बंदा मुझे दिख रहा है लेफ्ट पे, पर वो रिच के नीचे है तो मेरी गोलियां उसे नहीं लगेगी, इसलिए मुझे मार के भी फायदा नहीं। तो फिर अभी मुझे सिचुएशन अभी पता चल गई थी कि राइट से अभी बंदे आएंगे। अब देखो एक तो दिख ही रहा है, तो जल्दी से मैंने उसे मार दिया। और फिर देखा तो लेफ्ट वाला भी रोटेट करके इधर से आ गया, फिर जल्दी से मार दिया और मैंने जल्दी से कवर ले गया, जल्दी से कवर ले लो दोस्तों, और फिर पिक करके मार दिया। देखो दो तीन सब मर गए दोस्तों। तो दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक कर दो, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दो और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। तो मिलते